आईएमसी ने जिला अधिकारी से पुलिस अत्याचार के खिलाफ की शिकायत। जिला अधिकारी ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। बरेली में आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां के निर्देश पर एक शिष्टमंडल जिले में पुलिस अत्याचार। मंडी समिति में व्यापारियों को परेशानी और हॉटस्पॉट एरिया ब्रह्मपुरा में खाद्य सामग्री की आपूर्ति न होने के संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया और मांग की मंडी समिति में आने वाले व्यापारियों के साथ पुलिस अत्याचार कर रही है। कोहड़ापीर पुलिस चौकी प्रभारी, श्यामगंज चौकी प्रभारी और जगतपुर चौकी पर पुलिस कर्मी द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत आईएमसी शिष्टमंडल ने जिला अधिकारी से शिकायत की। जिला अधिकारी ने आईएमसी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि जिले में कहीं भी कोई अत्याचार मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नदीम खान इत्यादि मिल्लत काउंसिल से आज हम हजरत मौलाना तौकीर रजा खान के निर्देश पर एक हमारा प्रतिनिधि मंडल शहर और जिले के हालातों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिला। जिलाधिकारी महोदय से तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हुई और ख़ास तौर से हमारा मंडी जो डेला पीर वाली मंडी है वहाँ पर जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही हैं, जो परेशानी हो रही हैं, जो पुलिस मारापीटी कर रही है और बेगुनाह लोगों को परेशान किया जा रहा है, जहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं उन लोगों को मिलने पर रोका जा रहा है, पुलिस वहाँ पर किसी एक की सुन नहीं रही है, उसके सापेक्ष में हमने बात करी। कुछ बातें हमने ऐसे श्यामगंज पुलिस चौकी इंचार्ज जो सुनील सिंह है उनके द्वारा समाज में जो बर्बरता करी जा रही है उसके प्रति की गई। उसके अलावा पहाड़ापीर पुलिस चौकी और तमाम ऐसी जगहों पर लेकर बातचीत हुई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को डेला पीर मंडी के लिए बात की और ये कहा कि मैं ये ना सुनूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी बात हाथ या डंडा मारा जा रहा है। मैं इस बात का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, किसी भी बात में अगर बात करना है तो बैठकर पूरे व्यापारी गणों के साथ और मंडी के लोगों के साथ बैठकर सामंजस्य बैठा लें और बैठाकर बातचीत करें। बातचीत में जो भी निष्कर्ष निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उसको पूरी तरीके से अमल कराएं और किसी भी विगुना। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने और अधिकारियों को भी फ़ोन करके ये कई तरीके से ये कहा कि तासुब की बुनियाद पर किसी के ऊपर कोई जो बदतमीजी ना की जाए, किसी के ऊपर डंडा ना चला जाए। अगर बहुत ज़्यादा कोई किसी के साथ दिक्कत हो रही है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए बिना बगैर बदतमीजी या किसी अब वृद्ध व्यक्ति के साथ। मैंने ये देखा है कि अभी बहुत से लोग हजरत के पास लगातार आ रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें पुलिस मार रही है, रोजे का टाइम है। चूँकि थोड़ा बहुत वक्त ऐसा होता है जो चलता है, जिसके साथ परेशानी आदमी को मोटिवेट कर चलना पड़ता है। इसी सापेक्ष में हजरत ने ये निर्देश दिया था कि हम लोग जहाँ हमारे प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर नफीस खान साहब, अफजाल बेग, इफ्तिखार कुरैशी, रिजवान बरकाती और बाबू भाई तमाम लोग थे और हम पूर्ण तरीके से जिलाधिकारी महोदय की बातचीत से संतुष्ट हैं और हमें यकीन है कि हमने जो मांगे रखी हैं, चार पांच मांगे रखी हैं, सबसे एक पहले मंडी समिति की बात बैठकर की जाएगी। उसके बाद दूसरी मांग हमारी कोहड़ापीर पुलिस चौकी के जो दरोगा हैं वहाँ पर जो बदतमीजी करें उनके लिए, श्यामतगंज चौकी इंचार्ज के लिए, जगतपुर में एक कांस्टेबल है जो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं उनके लिए और तमाम ऐसी जगहों के लिए जहाँ पर पुलिस के साथ ज्यादती कर रही है। पब्लिक के साथ दूध को लेकर बातचीत की है। कल ब्रह्मपुरे में जो हॉट स्पॉट है, डीएम साहब ने विश्वास दिलाया कि ब्रह्मपुरे में कल सरकारी गाड़ी भेजी जाएगी और दूध के मुतालिक हम लोगों ने एक शिकायत की कि पुलिस के लोग दूध जो लेकर जाते हैं उन्हें ज़्यादा परेशान करते हैं। हमें डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम एसएसपी साहब से बात करेंगे, पुलिस किसी भी दूध के वाहन को या दूध के साथ मोटरसाइकिल पे जो कंटेनर लटका कर जाते हैं केवल हॉट स्पॉट को छोड़कर, सिर्फ एक हॉट स्पॉट के लिए ज़रूर कहा है कि हॉट स्पॉट पे जाने की मना दी है, उसके अलावा कहीं पर भी दूध को बेचने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं हमें यकीन है कि हमारी इन मांगों को जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है और उन्होंने हमें यह भी विश्वास दिलाया कि आप हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब से कह दीजिए कहीं पर कोई ज्यादती होगी हम उसके लिए तैयार हैं, हमें शिकायत बताएं, हमसे कहें, हमें बताएं कि कहां पर किसके साथ ज्यादती हो रही है, नाजायज़ ज्यादती हम भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम ये तमाम लोगों को बताना भी चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जागरूकता फैलाएं, क्योंकि बहुत बड़ी महामारी चल रही है। इस बात को हम लोगों को मिलकर ही इस बरेली को मुक्त करना है, देश को मुक्त करना है, कोरोना से महफूज करना है। बहुत शुक्रिया।